हेलो गुड इवनिंग एवरीवन और ये आज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की फ़र्स्ट क्लास है इस फर्स्ट क्लास में हम आपको बिल्कुल बिगनिंग से सिखाएंगे जो कि बिगनिंग से इंग्लिश स्पीकिंग की स्टार्टिंग कर रहे थे ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है आप जैसे कि इस पर देख रहे हैं और हम इसमें आपको जो है बिल्कुल लेटर से समझाएँगे कि लेटर्स जब कई एक लेटर्स मिल जाते हैं तो क्या एक वर्ड बनता है ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं और कई एक वर्डों के मिलने से सेंटेंस बनता है और जब कई एक सेंटेंस को हम यूज करने लगते हैं तो वो एक लैंग्वेज बन जाती है जिससे हम अपनी बात को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके और अपनी प्रॉब्लम को अपनी अच्छाइयों को बुराइयों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या बन जाती है एक भाषा बन जाती है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे दिया हुआ यहाँ पे ए बी सी ये क्या है ये तीनों लेटर हैं तो ए जो है एक अपने आप में लेटर है और इसमें कई एक लेटर मिल गए तो एक वर्ड बन गया तो ये वर्ड है क्या एक्ट्रेस ठीक है अब इसमें कई एक वर्ड मिलने से क्या बन गया कि एक सेंटेंस बन गया ठीक है इसी तरीके से बी में दिया हुआ है बिजनेस बी से बिजनेस और यहाँ पे कई एक लेटर मिल गए तो हो गया आयमा बिजनेस इस तरीके से आपने इसमें देखा लेटर वर्ड और सेंटेंस ठीक है जिससे कि मिलके क्या बन जाता है एक लैंग्वेज भाषा बन जाती अब यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं तो ये आप यहाँ से देखेंगे दे आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं दे आर ट्वेंटी सिक्स जो कि यहाँ पे ये दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप ये जो जेड देख रहे हैं ना इस जेड को जी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्स वाई जी ये जो जेड है इसको जी भी बोलते हैं ये क्या होता है कि ये जो अमेरिकन है वो इसको जी प्रोनाउंस करते हैं ठीक है और ये जो ब्रिटेन वाले होते हैं वो जेड बोलते हैं ठीक है जो कि जेड के उससे हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं तो अब ये भी जान ले कि इसको जी भी बोलते हैं इन ट्वेंटी सिक्स लेटर्स को इन ट्वेंटी सिक्स लेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स तो सबसे पहले वॉवल्स आप देख लें जो वॉवल्स हैं ये फाइव हैं जो कि आप इसमें देख रहे हैं जो येलो से लिखे हुए हैं ये क्या है? vowels, हैं वॉवल्स ठीक है फाइव वॉवल्स हैं इन फाइव वॉवल्स के अलावा एक ये जो वाई है कौन सा ये जो वाई दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं वाई को ये वाई जो होता है ये फिफ्टी फिफ्टी वर्क करता है ये वोवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है जैसे कि आपने देखा होगा आ, लिखा होता है साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी सॉरी ठीक है तो री लास्ट में क्या डबल आर वाई री आ जाता है टेक्नोलॉजी जीवाई आ जाता है टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसमें क्या होता है ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का वर्क करता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि साढ़े पांच वावेल होते हैं कितने होते हैं साढ़े पांच वॉवल्स होते हैं अब आप देखेंगे कि जब इससे ये फाइव वॉवल्स निकल आते हैं तो फिर ट्वेंटी वन लेटर्स जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं कॉन्सोनेट्स क्या हो जाते हैं कॉन्सोनेट्स इनको ध्यान से देखें क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आप आंसर देंगे लास्ट में ठीक है अब इसमें हम आपको जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है आ, 26 अल्फाबेट हैं इंग्लिश के जो कि लिखे हुए हैं और आ, ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं। इनमें से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि बच्चों को स्टार्टिंग में चारोली कॉपी क्यों दी जाती है तो उसमें भी एक लिखने का करेक्ट राइटिंग फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये आप देख रहे हैं थर्टीन सिक्स फाइव टू इक्वल ट्वेंटी सिक्स इसका मतलब क्या होता है कि बीच की दो लाइनों में बीच की दो लाइनों में थर्टीन लेटर डी के लिखे जाते हैं कितने लेटर्स थर्टीन ठीक है जैसे आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये देखो थर्टीन लेटर्स जो हैं, बीच की दो लाइनों में लिखे हैं ठीक है इसके बाद आया सिक्स तो ऊपर की तीन लाइनों में सिक्स लेटर बनते हैं वो कौन कौन से हैं? वन टू इसके बाद थ्री फोर फाइव एंड टी ये सिक्स सिक्स लेटर जो है ऊपर की तीन लाइनों में बनते हैं इसके बाद आया फाइव नीचे की तीन लाइनों में फाइव लेटर्स बनते हैं टू चारों लाइनों में दो लेटर्स बनते हैं अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एबीसीडी ठीक है तो एबीसीडी का सूत्र या फॉर्मूला कुछ इस तरह से पूछते हैं तो आप बता सकते हो तेरा छह पांच दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तेरा छह पांच दो ठीक है अब ये जो ट्वेंटी सिक्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के इसके साउंड्स कितने होते हैं फोर्टी तो फोर कितने फोर्टी फोर साउंड्स होते हैं मतलब लेटर जरूर ट्वेंटी सिक्स है बट इसकी आवाज जो होती साउंड मीन आवाज ठीक है तो जो आवाज होती है ध्वनि होती है ये फोर्टी फाइव टाइप्स की होती है फोर्टी फोर टाइप्स की होती है सॉरी कितने फोर्टी फोर टाइप्स की होती है अब इन फोर्टी फोर फोर्त को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर यह वी से हो गया वोवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि जो वॉवल्स होते हैं ठीक है उन जो आपको भी पीछे फाइव वॉवल्स के बारे में बताया उन फाइव वॉवल्स के ट्वेंटी साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स के फोर्टी ट्वेंटी फोर साउंड्स होते हैं तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है फोर्टी फोर और ये फोर्टी फोर साउंड्स किसके होते हैं ये जो हमारी ए बी सी डी लिखी है ठीक है इंग्लिश लेटर के जो इंग्लिश लैंग्वेज के ये जो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं इनके कितने फोर्टी फोर साउंड होते हैं ठीक है इनको ध्यान में रखिएगा आगे देखते हैं हम लोग इस पे बात कर रहे थे ठीक है यहां तक हो गया था अब इसके आगे हम देखते हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ओके ये लिखा हुआ है ए से और जेड तक अब यहीं पे इनके सबके बारे में आपको पता ही चल गया था अब यहां से आप देखेंगे सी से सा भी होता है और सी से का का भी साउंड होता है जी से जैसे कि आपने देखा होगा आ, सी से सा सा किस में आता है पता ही होगा अगर आपको पता है तो कमेंट में भेजे सी से का कब आता है जरूर बताएं। इसके लिए हम एक अलग जो है वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से लेटर सी के बाद आए तो का होता है कब कौन सा लेटर आए जो कि सा होता है ठीक है जी से गा का भी साउंड होता है और जी से जा का भी साउंड होता है कब होता है ये आपको बताना है ठीक है इसके बाद क्यू से आपने क्यू से जो है का का भी होता है और क्यू से क्वा भी होता है जैसे कि जानना चाहे तो इसका क्यू से जो आ, का होता है कुरान आपने देखा होगा क्यू से क्वेरल क्या होता है क्वेरल क्वीन ठीक है ऐसे ये जैसे आपका एक्स दिया है एस से सा भी होता है शा भी होता है और जा भी होता है ठीक है ऐसे जा भी होता है ठीक है ये जो साउंड्स होते हैं इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे जैसे एक्स से एक्स जा, जायलोल या जिनोफोबिया दूसरे एक्स यानो पी एच ओ आई ए, जो कि क्या पढ़ते? हैं जेनोफोबिया मीन होता है दूसरे देश के लोगों से घृणा करना तो ये इस तरह के साउंड होते हैं जो कि आपको इसमें बताए जा रहे हैं ठीक है आगे आप देख लें ये जो वॉवल्स दिए हुए हैं इन वॉवल्स का जैसे दिया साउंड्स ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है तो ये जो लेटर्स का साउंड है ये कैसा है किस तरह से है ये आप देखें आप देख रहे हैं कितने फाइव वॉवल्स और जैसे कि हमने वाई के बारे में बताया था आगे कि वाई जो होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है ठीक है तो ये कहां पे वोवेल का और कहां पे कॉन्सोनेंट का, का काम करता है यहां पे कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ये आप देख रहे हो इसके अभी हमने आपको बताए थे कि ये जो फाइव होते हैं इनके कितने साउंड्स होते हैं ट्वेंटी इन ट्वेंटी में कौन कौन से अभी आप यहीं से देख ले बहुत सारे तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे जैसे ए का कैट कैट ए आ रहा है ए कैट ये आ रहा है कार क्या कार नहीं कार बड़ा का साउंड आ रहा है यहाँ पे फैट 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 ए आ रहा है ये ग्लास नहीं ग्लास ग्लास क्या होता है ग्लास ठीक है यहाँ पे लॉन्ग साउंड आता है जैसे मे 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 लैंड हैंड स्टैंड स्टैंड तो ये क्या ये लॉन्ग साउंड आते हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें जैसे ओ का दिया है ओ के ओ से ओ का भी साउंड होता है आ का भी होता है बड़ा का भी होता है ऊ का और बड़ा ऊ का भी ठीक है जबकि है ओ ही यहाँ पे ओ आया एम के बाद तो क्या आ गया मोड ओ आ रहा है यहाँ पे आया तो आ का अनियन ओनियन नहीं अनियन पढ़ते क्या पढ़ते अनियन क्या करोगे भैया जो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया जो फॉरेनर ने एक्सेप्ट किया वही लैंग्वेज यहाँ पे आई उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ रहा है ठीक है बट हम लोग अपनी भाषा में कुछ भी कहें बस सामने वाले को समझ में आ जाए ठीक है लेकिन जब जा फॉरेन जाएंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी बड़े टेस्ट के लिए एस एस सी सी डी एस एन डी ए इनमें तो फिर यही करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज यू वी विल हैव टू फेस फॉरेनर्स दे आर वी वी आई पी तो वो सब बिल्कुल एकदम करेक्ट यूज करते हैं तो करना पड़ता है ना आगे देखते हैं जैसे यही आप देख रहे हैं बैड दिया है बैड अब यहाँ पे ई का ए आ रहा है यहाँ पे ए का भी ए आ रहा था ठीक है तो यहाँ पर ये यह समझने वाली चीजें आ जाती हैं जैसे दिया मदर नहीं हम लोग कह देते मदर नॉट मदर मा द मा आ आ देखो आ रहा है आ म दीम सीम, सीम। ये यह देखो, यह देखो यहाँ पे जब ई आई तो बड़ी का साउंड आ रहा है यहाँ पे जब आपका आता है तो क्या आई से इडियट नहीं इडियट इडियट क्या आता इडियट ई है ई इन क्या इडियट ओके इसके बाद ये आप देख ही सकते हैं लास्ट में हम डायरेक्ट इस पर आना चाहेंगे यू वाई, जो कि आपको वाई के बारे में बता यहां पे देखो वाई है तो या मतलब किसका साउंड है कॉन्सोनेंट का यहां पे वाई आई जिम जिम ये छोटी ई का साउंड आ रहा है तो यहां पे क्या आया ये किसका है वॉवेल का साउंड यहां पे सॉरी किसका आया सॉरी 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 तो शौरी में किसका साउंड आया यहाँ पे री री वोवेल का आया इसमें माई में भी ई आई आई आरे? तो हमें इन साउंड्स को जानना बहुत जरूरी है यदि हम बेसिक से ही सीखते हैं आप अगेन एंड अगेन अपने बच्चों को सही से बताएं सही से समझाएं ताकि आगे उन्हें प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े आगे देखते हैं इससे रिलेटेड देख लें आप अभी जो मैंने पढ़ाया क्या दिया है हाउ मैनी यहां पे लेटर्स होना चाहिए ठीक है यहां पे लेटर्स रहेगा हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है यहां पे क्या है तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ठीक है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ये बताना है फिर क्या है हाउ मैनी कॉन्सनेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है हाउ मैनी हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स अब अभी आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं कितने साउंड्स होते हैं ठीक है तो यह भी इसमें आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हाउ मैनी वॉवेल्स आर दे आर इन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं यह फिर इसके बाद दिया है हाउ मैनी साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने साउंड्स होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिली हैं इसको एक या दो बार ज़रूर देखें सही से तो आपको बेसिक के बारे में पता चल जाएगा और हम उन टीचर्स भी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाएं तो ये बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं कि जिससे उनको जो है बोलने में लिखने में हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है कि बहुत से बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं कि हम जो है कौन सा लेटर किस लाइन में बनाएं और शुरू में जब छोटे हों बच्चे तो उनको चारोली कॉपी में ही लिखना सिखाएँ और ये जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो जब भी हम आप डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए फिर से ध्यान दें कि अगर हम जब भी अगला वीडियो डालेंगे यदि आप आइकन दबा लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगला वीडियो टाइम पे मिल जाएगा जिससे कि आप नई नई इसी तरह की अच्छी चीज़ें सीखेंगे और हाँ आपको बता दें कि एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को ठीक है एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को हम एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें फाइव क्वेश्चंस रहेंगे और उन फाइव क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर सबसे पहले देगा उसको फाइव हंड्रेड रुपीज़ का प्राइज़ भी मिलेगा ठीक है तो इन चीज़ों को ध्यान रखें थैंक यू गुड नाइट